बलिया शहर का माल गोदाम रोड चित्तू पांडे रेलवे स्टेशन होते हुए एससी कॉलेज तक माल गोदाम रोड के नाम से ये एरिया बहुत प्रसिद्ध है। सड़क और पटरी की चौड़ाई देखिए, सुबह का वक्त है इसलिए इतना ये एरिया आपको खाली नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे ही 9 बजे का ये एरिया वाहनों से भर जाएगा। लोग अपने दुकानों का सामान बाहर निकालेंगे और अपना दुकान सजाएंगे। बैटरी उनके नाम और जो सड़क है जनता के नाम, यानी कि ये जो 15 फीट का ये चौड़ा पटरी है ये पब्लिक के लिए नहीं बल्कि उनके लिए है जिनकी ये दुकान है। दुकानदार दुकान के सामने अपने दुकानों को सजाते हैं। भाई साहब ये देख लीजिए, ये दुकान है और दुकान के सामने पटरी खाली नज़र आ रही है। कुछ देर बाद आएंगे तो आपको भरा नज़र आएगा। शासन प्रशासन बहुत कोशिश करता है कि अतिक्रमण हटे, रोड चौड़ीकरण हो, वाहनों को आने जाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, उसके इस तरफ प्रशासन अपना बेहतर काम करता है। लेकिन व्यापारियों का भी कर्तव्य बनता है कि वह अपने दुकानों के सामने अतिक्रमण न होने दें और अपने दुकानों का सामान अंदर ही रखे रहें। लेकिन सवाल ये भी होता है कि दुकान छोटी है, अगर बाहर से कोई सामान नहीं रखेंगे तो उनकी बिक्री कैसे होगी, उनका परिवार का पेट कैसे चलेगा, ये उनके सामने गंभीर समस्या होती है। लेकिन जनता के लिए एक समस्या ये होती है कि अगर पटरी पर दुकानदार अपना दुकान लगाएंगे तो फिर पैदल चलने वाले सड़क पर ही दौड़ेंगे, ऐसे में उनके साथ खतरा महसूस होता है। इसलिए ज़रूरी ये समझा जाए कि पटरियों को खाली किया जाए ताकि जनता इस पटरी का लाभ ले, न कि दुकानदार। लेकिन दोनों समस्या है, इस समस्या का समाधान कैसे होगा ये बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अब दोनों तरफ विशाल नाला बनने जा रहा है और जब नाला बनेगा तो नाला के बाहर कोई नहीं निकल सकता, सबको नाले के बाहर ही होना होगा। ऐसे में अब आने वाले दिनों में दुकानदार अपना व्यवसाय पटरी पर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहेरी तक नाला बनकर आ चुका है। बहुत जल्द अब इस एरिया पे नाला बनेगा। नमस्कार।